देखिए यूक्रेन से भारतीय छात्र एक एक करके अब बाहर आना शुरू हो गए हैं एयरपोर्ट से। इस वक्त तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट की ही दिखा रहे हैं और हमारे साथ में विकास कुमार हैं जो कि यूक्रेन से आए हैं। सबसे पहले देखिए उनका यहाँ पर हम लोग कार्ड देख लेते हैं, ये उनका टिकट है। आप देखेंगे कुमार विकास और साथ ही एयरपोर्ट पर जो पासपोर्ट है वो भी आप देखेंगे तस्वीरों के जरिए। सीधे यूक्रेन से अब वो आ रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं, अपना पासपोर्ट भी वो तस्वीरों में दिखा रहे हैं, अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं। उनसे सबसे पहले हम बात करेंगे। विकास, अपनी जमीन पर आकर, अपने वतन पर आकर कैसा लग रहा है एक वॉर जोन से निकलकर? मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी को, जो हमारे क्रिटिकल सेशन में इतनी साथ दी और इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी यूक्रेन में वार पे, डेली पे डर लग रहा था, बंकर में शिफ्ट करना पड़ रहा था किसी बच्चे को, ऐसे ऐसे कभी मिसाइल फट रहे, कभी बम फट रहा है, ऐसे ऐसे देखकर बहुत क्रिटिकल सेशन, खाना खाने को कभी दिक्कत हो रहे थे, बहुत सारे दिक्कत हो रहे थे। फिर इसमें हमारे इंडियन एम्बेसी ने एक दिन में फैसला लिया से मुझे, मैं अपने इंडियन सिटीजन को, इंडियन स्टूडेंट को बुलाऊंगा और एक दिन में सारे व्यवस्था की और कल होकर ही हम लोग को कॉलेज की तरफ से हंगरी बॉर्डर छोड़ा गया और हंगरी बॉर्डर से सारे इंडियन एम्बेसी पूरे सीक्वेंस वाइज अच्छे से मैनेज कर 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 और हमारे सब फ्लाइट करवा के खाना पीना सब अच्छे तरीके से अरेंज करके और अच्छे तरीके से हम लोग इंडिया वापस छोड़े। यूक्रेन में आप कहाँ पर रह रहे थे, कितना टाइम लगा वहां से आने में और उस सफर के बारे में भी बताइए कि एयरपोर्ट आने तक भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि जो हालात हैं वो हमें तस्वीरों में वैसे ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप उन हालातों से निकल कर आए हैं, तो क्या कुछ है जो आप बताना चाहेंगे? हम यूक्रेन में उज़्ग्रोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से है, जो उज़्ग्रोड में है और वो वेस्टर्न पार्ट में है, थोड़ा वहाँ पे अभी क्रिटिकल कम था पर दूसरे साइड में ज्यादा था और हम लोग थोड़ा सेफ जोन में थे इसलिए थोड़ा कम चिंतित थी। पर इसमें हम लोग आने में सफर, हम लोग के पूरी प्रोसेस करने में 8-9 घंटे का वक्त एयरपोर्ट तक लग गया, अंगड़ी बॉर्डर पास करते करते 8-9 घंटे का वक्त लग गया और आने में कोई सी दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से आ गए। पर मैं हमेशा यही करना चाहता हूँ इंडिया एम्बेसी को थैंक यू सो मच जो हमें अपनी सरजमी पर वापस लेकर आए। आपके साथ जो बाकी आपके फ्रेंड्स हैं, जो बाकी इंडियंस हैं, उनके क्या हालात हैं, क्या किसी के साथ आक्रामक भी हो रही है रशियन सेना, क्या वहाँ पर स्थिति है? मेरे हॉस्टल में एक दोस्त है, वो कीव एयरपोर्ट पे गए थे, उसकी दिन वो ब्लास्ट हो गए थे और वहाँ पे फंस चुके हैं, पर उसके लिए अभी कोई हेल्प नहीं किया जा रहा है, एम्बेसी से मदद मांग रही है पर उससे कोई भी हेल्प किया नहीं जा रहा, बोल रहे अपने रिस्क पे जाओ। पर मैं चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री से उसके भी कुछ सुना जाए जो कीव एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। ऐसे करीबन कितने स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं वहाँ पे? कम से कम मेरे हॉस्टल से कम से कम 50 बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं और आप अकेले हैं जो वहाँ से निकल कर आ पाए? नहीं, मेरे साथ भी 240 बच्चे मेरे हॉस्टल से है, पर जो पहले टिकट करवा चुके थे ना आने के लिए, उसको हॉस्टल से जाते ही उसके की एयरपोर्ट पे ही ब्लास्ट हो गई इसलिए उसको फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई, इसलिए वो लोग वहीं फंसे हुए अभी तक और उस लोग को बंकर में शिफ्ट किया हुआ है, खाने भी सही तरीके से नहीं मिले, एक थाली मिले उसे 5 आदमी खाना खा रहे हैं इसलिए। हमने तस्वीरों कई सारी सोशल मीडिया पर भी वायरल होते हुए देखी थी, जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, बंकर्स में बैठे हुए थे, अभी क्या वहीं पर बैठे हुए हैं स्टूडेंट? अभी भी वो लोग वहीं बैठे हुए हैं, उन लोग के लिए कुछ एम्बेसी काम ही नहीं कर रही, पर उन लोग के भी सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म उसके साथ है, खाना तक सही नहीं मिल रहा है, एक प्लेट में 5 बंदे खाना खा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ इंडियन एम्बेसी से उसको पहले मदद किया जाए जो वहाँ ज्यादा फंसे हुए, रो रहे हैं बच्चे लोग, रो रहे हैं बहुत, मेरे दोस्त है खुद के जो दिल्ली का, वो ऐसे दोस्त है वो वहाँ फंसे हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी मदद करें। तो देखिए विकास ने हमें काफी सारी जानकारी दी, वो बता रहे हैं कि अभी भी जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है यूक्रेन में बनी हुई है, कई सारे लोग अभी बंकर्स में हैं, कुछ लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर वहां पर बैठे हुए हैं, कई दिन हो गए हैं लगातार बाहर जो है वो बमबारी जैसी स्थिति भी शुरू हो गई है, ऐसे में इंडियन एम्बेसी से भी वो गुहार लगा रहे हैं अपने दोस्तों के लिए। हॉस्टल से करीबन 40 बच्चे आ चुके हैं जिनमें से एक वो भी है, एक एक करके लोगों के बाहर आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे में चिंता उन लोगों के लिए भी बनी हुई है जो अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लेकिन विश्वास और शुक्रिया अदा लगातार इंडियन एम्बेसी का वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।